ये है भव्य बिश्नोई, हरियाणा के आदमपुर से बीजेपी विधायक है, जो पिछले कई दिनों से चर्चा में है और वजह है उनकी शादी। जी हाँ, 2 साल पहले तेलुगु एक्ट्रेस से रिश्ता तोड़ने वाले भव्य जल्द ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और जो उनकी दुल्हनियाँ बनने जा रही हैं वो भी किसी हीरोइन से कम नहीं है। राजस्थान हो या फिर हरियाणा, हर जगह उनका जलवा कायम है। उनका नाम है परी बिश्नोई, जो एक IAS अफसर है। दोनों ने इसी साल सगाई की थी, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं। रिपोर्ट्स की माने तो 30 साल के भव्य 27 साल की परी से 22 दिसंबर को 7 फेरों में बनने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शाही कपल की शादी के रिसेप्शन 3 राज्यों के 3 शहरों में होंगे, जिनमें करीब 3 लाख मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो भव्य के पिता कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा में हिसार के आदमपुर इलाके के करीब 55 गांवों में दौरा करके लोगों को शादी का निमंत्रण दिया। उनका कहना है कि जब मेरी शादी हुई थी तब मेरे पिता आदमपुर के गांव में न्योता देने गए थे, उसी तर्ज पर अब मैं बेटे की शादी का न्योता पहुंचा रहा हूं। उन्होंने कहा कि आदमपुर का हलका हमारा परिवार है, इसलिए खुद गांव में जाकर लोगों को शादी का न्योता दे रहा हूं। रिपोर्ट्स की माने तो भव्य की शादी 22 दिसंबर को राजस्थान के उदयपुर में होगी, जिसका पहला रिसेप्शन पुष्कर में 24 दिसंबर को होगा, जिसमें करीब 50,000 लोग पहुंचने की उम्मीद है। 26 दिसंबर को हरियाणा के आदमपुर में दूसरा रिसेप्शन होगा, जिसमें करीब 1.5 से 2 लाख लोग पहुंच सकते हैं, जबकि तीसरा और आखिरी रिसेप्शन 27 दिसंबर को नई दिल्ली में होगा, जिसमें करीब 3,000 VVIP, केंद्रीय मंत्री व अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। अब सवाल ये कि कौन है परी बिश्नोई। 27 साल की परी बिश्नोई राजस्थान कैडर की IAS अफसर है। उनका जन्म राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। उनके दादा गांव के 4 बार सरपंच रह चुके हैं। परी के पिता मनीराम एडवोकेट हैं और उनकी मां सुशीला अजमेर में GRP थाना अधिकारी हैं। परी ने सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की है, फिर वो दिल्ली गई, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के दौरान ही परी ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। ग्रेजुएशन के बाद परी ने अजमेर के MDS विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में PG किया। UPSC की तैयारी करते हुए ही परी ने नेट GRF भी क्लियर किया। साल 2019 में परी ने अपने तीसरे प्रयास में UPSC भी पास की। उन्होंने ऑल इंडिया में 30वीं रैंक हासिल की। परी बिश्नोई सिक्किम में SDM के पद पर तैनात थी। उन्हें हाल ही में हरियाणा कैडर मिल गया है। अगर बात करें भव्य की तो 30 साल के भव्य बिश्नोई हरियाणा के आदमपुर से बीजेपी विधायक हैं। भव्य पूर्व CM भजन लाल के पोते और पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं। भव्य ने लंदन से बैचलर ऑफ साइंस इन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ साइंस इन कंटेम्प्रेरी से अपनी पढ़ाई पूरी की है। भव्य ने करीब 2 साल पहले तेलुगु एक्ट्रेस मेहरीन कौर पीरजादा से सगाई की थी, जो कुछ दिनों बाद ही टूट गई थी। भव्य की सगाई की चर्चा जैसे ही शुरू हुई तो इंटरनेट के जरिए बिश्नोई समाज में मौजूद भजन परिवार के विरोधियों को मौका मिल गया और परिवार पर सीधा निशाना साधने लगे। निशाने पर पूरा बिश्नोई परिवार आ गया, हालांकि दोनों ने ही सगाई टूटने की बात को निजी फैसला बताया था। भव्य बिश्नोई के दादा चौधरी भजन लाल 2 बार हरियाणा के CM रह चुके हैं। वे 1 बार हरियाणा से राज्यसभा और 3 बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। भजन लाल हरियाणा के कृषि सहकारिता मंत्री भी रहे हैं। भजन लाल की पत्नी जस्मा देवी भी आदमपुर से विधायक रह चुकी हैं। कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई भी आदमपुर व हांसी से विधायक रही हैं। वहीं कुलदीप बिश्नोई विधायक व सांसद रह चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई का परिवार पहले कांग्रेस से जुड़ा रहा है, लेकिन बाद में हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बना ली, जिसके बाद दोबारा राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद राजनीतिक फेरबदल करते हुए पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। आदमपुर से कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई BJP से उपचुनाव में उतरे थे, जिसमें उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री जय प्रकाश को हराकर जीत हासिल की थी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिए News18 हिंदी ओरिजिनल्स के साथ।